हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो शुरू किया जाए आज की क्लास। गुड इवनिंग जी सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी से। और 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, तो फटाफट आप सभी लोग आ जाइए। आज होगी टेस्ट आपकी डीएलएड की दोस्तों, है ना। डीएलएड का आज टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर आपका 21 होगा, जहाँ पर हम लोग 75 सवाल देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा क्लास होगा, पूरा वीडियो देखना है शुरू से अंत तक। पूरे 75 सवाल होगा यहाँ पर, और ये सिलेबस के अनुसार होगा। 8 यूनिट से हम कोशिश करेंगे कि 8 यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को लाया जाए। ठीक है, 8 यूनिट का नोट्स भी आप लोग को दे दिया गया है, जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उनको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। और नोट्स लेने के लिए आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा किस अनुसार से आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा और कैसे क्लास मिलेगा, सब चीज पीछे वाला आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा और इसका फटाफट आप लोग अपना आंसर भी करते चलना है, और लास्ट में बताना है कि आप सभी ने कितना स्कोर किया है। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों कि बच्चों के विकास के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। दोस्तों संवेदनशील चरण किसको कहते हैं, है ना, बच्चों के विकास के बारे में आपसे पूछ रहा है। संवेदनशील चरण, ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, या गर्भाधान से जन्म तक विकासात्मक चरण, या शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्कावस्था से प्रागमन का विकासात्मक चरण, या किसी व्यक्ति के अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये बच्चों के विकास के संदर्भ में पूछ रहा है दोस्तों, विकास के संदर्भ में वो भी कह रहा है संवेदनशील चरण से आपको क्या समझते हैं। देखिए संवेदनशील चरण से तात्पर्य यही होता है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी कि अब बालकों के विकास में संवेदनशील अवधि या चरण तब होती है जब व्यक्तिगत विकास के आयु अंतराल, जिसके दौरान आंतरिक संरचनाएं आसपास की दुनिया के विशिष्ट प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। संवेदनशील अवधि स्वाभाविक रूप से होती है जब एक बालक में मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो लोग भी आंसर नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है इसको क्या कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो विकास का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था को भी दोस्तों आपको 2 भाग में बांटा जाता है, है ना। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो आपका 2 से लेकर 12 तक होती है। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो होती है 2 से 6 साल, और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, हाँ ना, वो होती है आपको 6 साल से लेकर के 12 साल तक। तो ये दोनों आपको याद रखना है, हाँ ना। और अगर आपसे पूछे कि प्रसूति काल किसको कहते हैं, तो 0 से लेकर के जन्म तक को कहा जाता है प्रसूति काल, है ना। माँ के गर्भ से लेकर के जन्म तक को कहा जाता है पूर्व प्रसूति काल। शैशवावस्था किसको कहते हैं दोस्तों, तो शैशवावस्था कहा जाता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, यानी कि बच्चे जब जन्म लेता है और उससे लेकर के 2 साल तक की अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 2 साल से लेकर के 12 साल तक की उम्र होती है आपकी बाल्यावस्था की। किशोरावस्था की जो उम्र होती है दोस्तों वो 12 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र होती है आपकी किशोरावस्था की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78 नंबर, कह रहा है कि किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसको कहते हैं दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब भी करने का प्रयास करूंगा। देखिए किशोरावस्था को कहा जाता है ना, किशोरावस्था को कहा जाता है आपको
क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि ये जो कथन है वो किसका है, ये कथन दोस्तों किसका है? तो ये है कथन आपका स्टेनली हॉल महोदय का, है ना। स्टेनली हॉल महोदय का ये कथन है कि किशोरावस्था जो होता है वो तनाव यानी कि स्ट्रेस और तूफान यानी कि स्टॉर्म की अवस्था होती है, ठीक है। ये आपका स्टेनली हॉल महोदय का कथन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79 नंबर, अभिवृद्धि और विकास क्या है, है ना। अभिवृद्धि और विकास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। अभिवृद्धि और विकास, देखिए अभिवृद्धि और जो विकास होता है ये एक दूसरे के पूरक होता है, है ना। ये क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होता है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जी हाँ मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है। दोस्तों बताइए ये किस वैज्ञानिक के अनुसार, है ना, किस मनोवैज्ञानिक का ये अनुसार कह रहा है कि विकास जो है एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। 9 बजे से आप लोग सब लोग जुड़ते क्यों नहीं है, ग्रुप में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और लाइव में क्यों नहीं आते, हमको समझ में नहीं आता है ना। बाहर कर देंगे सब लोग को ग्रुप से, फिर हम अगर क्लास करनी है तो फिर सीरियस रूप से क्लास कीजिए, नहीं तो सबको ग्रुप से बाहर कर देंगे। जो लोग क्लास करते हैं सिर्फ उनको रखने दिया जाएगा, आप लोग ग्रुप में जुड़ते हैं तो उसको फॉलो कीजिए, क्लास कीजिए, है ना। कम से कम बाद में देख लिया कीजिए, फिर कहिएगा कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, पढ़िएगा है नहीं तो रिजल्ट कहाँ से होगा, ठीक है। बताइए 80 का आंसर क्या होगा, 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गैसेल के अनुसार, है ना, आंसर हो जाएगा गैसेल के अनुसार। और वीडियो को आते के साथ क्या करना है, लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट सवाल है आपका 81 के प्रश्न कह रहा है कि हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम विकल्प में कौन सा होगा। जी हाँ ये हर्बर्ट का यहाँ पर क्रम दिया गया है दोस्तों पाठ योजना का, और कौन सा क्रम यहाँ पर सही है ये आपको बताना है, बताइए कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो हर्बर्ट के अनुसार जो आपका सही होगा वो सबसे पहले होता है प्रस्तावना, है ना, सबसे पहले इसमें आएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आएगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रस्तावना के बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, इसके बाद आएगा आपका तुलना, इसके बाद आएगा सामान्यीकरण, और इसके बाद आ जाएगा अनुप्रयोग, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हर्बर्ट के अनुसार है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये क्रम आपका, है ना, पाठ योजना का उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 सवाल कह रहा है कि सृजनात्मकता में मुख्यतः क्या होता है। दोस्तों सृजनात्मकता में मुख्यतः क्या होता है ये बताइएगा, सामूहिक चिंतन होता है, पुनरुत्पादन चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, या अभिसारी चिंतन होता है। देखिए सृजनात्मकता में मुख्य रूप से होता है वो होता है अपसारी चिंतन, है ना, मुख्य रूप से क्या होता है अपसारी चिंतन होता है, राइट आंसर आपका सी निकल के आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, फटाफट आप लोग अपना अपना देखते चलना है, रिवीजन करते चलना है। बताइए अगला प्रश्न है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, स्कूल क्या है, तो स्कूल जो है बच्चों का समाजीकरण की एक संस्था है जहाँ पे क्या होता है, तो जहाँ पे होता है दोस्तों प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, नहीं प्रमुख स्थान शिक्षक का नहीं होता है, प्रमुख स्थान क्या होता है गतिविधि का भी नहीं होता है, दिनचर्या का भी नहीं होता है, प्रमुख स्थान जो होता है वो स्कूल के प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि शिक्षा, प्रश्न कह रहा है देखिएगा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है, बहुत बढ़िया है, है ना, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा क्या है सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है, क्यों
क्यों ये शक्तिशाली साधन इसको माना जाता है, तो कह रहा है कि यह भविष्य के लिए पूर्ण जीविका की तैयारी होती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है, यह अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों को दूर करती है, यह व्यक्ति का आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। क्या होगा दोस्तों 84 का? देखिए, शिक्षा जो है ना वो सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है दोस्तों, है ना, व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? बताइए, हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न कौन सा करता है? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, या फिर अधिकारियों में समता, या भाग लेने का अवसर, या सामाजिक वर्तिकाग्र? क्या होगा 85 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक वर्तिकाग्र जो है ये हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। कह रहा है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान का जागरूकता क्या दर्शाती है? बताइए, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, या भ्रांति, या स्मृति सहायक विधि, या भी प्रेरणा? 86 का क्या होगा दोस्तों? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान जो है या जागरूकता दर्शाता है अधिसंज्ञान, इसको कहा जाता है अधिसंज्ञान, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, सॉरी ए नंबर, है ना, अधिसंज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है, अधिसंज्ञान जो होता है दोस्तों, संज्ञान के बारे में संज्ञान, सोच के बारे में सोच, जानने के बारे में जानना, और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर। 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण कौन सा है? 325 और 486 को जमा करो। ये क्या है भाई? नहीं, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यह भी ठीक नहीं है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, या ऑप्शन डी है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि कक्षा में क्या करना है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा कैसे मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को बताइए, सोचिए। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? बताइए दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में कौन सा मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, नहीं पूछ रहा है, है ना। तो कौन किसका नहीं होता है? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, या स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशन मूल्यांकन? देखिए, केवल जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही गलत हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 कह रहा है कि कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? बताइए दोस्तों, है ना, एक अपंग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, और उसको तिरस्कृत कर दिया जा रहा है, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? 89 का आपका आंसर होगा शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, या संबंध जोड़ने की आवश्यकता, या सम्मान पाने की आवश्यकता। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, संबंध जोड़ने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, है ना, यानी कक्षा में एक बच्चा जो है अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए, है ना, उसके संबंध जोड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर।
90 नंबर सवाल है कि बच्चों यानी कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। आना छात्रों या बच्चों को, बच्चों के दोस्तों संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हाँ ना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ये नंबर होगा। उसके साथ मैत्री संबंध रखना चाहिए, अपनी विद्वता प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ तो करना ही चाहिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर की, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंध उदाहरण समझाती है, अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। जो अध्यापिका है वो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है, है ना, पहले वो परिभाषा बताई फिर उसके बाद उदाहरण दे रही है, तो इसको कहते हैं दोस्तों आपको निगमन विधि, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको निगमन विधि कहा जाता है, है ना। निगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं निगमन विधि, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर, और देखिए भाई वीडियो को आप लोग थोड़ा क्या कीजिए, लाइक विक कर दीजिए ना, है ना। आप लोग देखते हैं डेली, आइए डेली आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, किसके लिए, आप ही लोग के लिए ना, ताकि आप लोग का रिजल्ट हो सके, ठीक है, आप लोग को कुछ ज्ञान में वृद्धि हो सके। प्रश्न है कि विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए, विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए, सह शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है, अनुशासन में रहकर बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं, अनुशासित बच्चे ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। 92 का क्या होगा दोस्तों, है ना, तो 92 का आंसर हो जाएगा कि अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अनुशासन ही छात्र छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 नंबर, शिक्षक केंद्रित प्रशिक्षण प्रणाली में कक्षा का वातावरण प्रायः कैसा होगा, बताइए। शिक्षक केंद्रित प्रशिक्षण प्रणाली में दोस्तों कक्षा का वातावरण प्रायः कैसा होगा, सरल होगा, कठोर होगा, भ्रामक होगा या क्रामक होगा, 93 का क्या होगा। देखिए ना ही कठोर होगा और ना ही भ्रामक होगा और ना ही आक्रामक होगा, होगा कैसा, तो सरल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर, 94 कह रहा है कि आप शिक्षक हैं, ठीक है, तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे, है ना, आप शिक्षक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि उसके समक्ष अपने आचरण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे, या फिर छात्रों के समक्ष अपनी अमीरों को प्रदर्शित करेंगे, अमीर को प्रदर्शित करिएगा गलत बात है, अपने आचरण को सर्वत्र आदर्श एवं नैतिक रखेंगे, जी हाँ ये ठीक लग रहा है, छात्रों को चटपटी कहानियां नहीं सुनाना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कि आप शिक्षक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप अपने आचरण को सर्वत्र आदर्श और नैतिकता के मूल्य को महत्व देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर की, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने दिया है दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, इसको भूलिएगा नहीं, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, मैंने कई बार बता चुका हूँ, तो ये दिया गया है आपको थॉर्नडाइक के द्वारा, किसने दिया है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 95 का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 96 कह रहा है दोस्तों कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या से तात्पर्य कौन नहीं है, ना शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य कौन नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान देना है, ना तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन दिया गया है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो ठीक है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये भी ठीक है, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना ठीक है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना नहीं, तो अपने सामाजिक मानदंड थोड़ी बनता है,
है ना, वो तो समाज के अनुसार चलता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा 96 का। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर। 97 कह रहा है कि शैक्षिक प्रणालियों में ICT उपकरणों के लाभ के रूप में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना। ICT का उपयोग जो होता है दोस्तों, इसके लाभ के रूप में है ना क्या होगा, तो शैक्षिक प्रणाली की क्षमता और लागत प्रभाव में वृद्धि होगी, या फिर 57 नंबर कह रहा है ये तो ठीक ही है, शिक्षा की मौजूदा संरचना की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए समर्थन मिलेगा, ठीक है, ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के बीच लिंग का प्रावधान, नई प्रौद्योगिकी की समझ में वृद्धि। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सही है, है ना। शैक्षिक प्रणाली में ICT उपकरण के लाभ के रूप में है ना ये सारे चीज आपको यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग हिस्सा नहीं है, बताइए दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के बारे में पूछ रहा है, पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, तो पाठ्यचर्या का कौन सा भाग नहीं होगा, है ना, टेसिलेशन या भिन्न या रैखिक समीकरण या नियमित द्वितीय आकृतियां। देखिए 98 का जो आंसर होगा आपका कि प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यचर्या का हिस्सा रैखीय समीकरण नहीं होता है, ठीक है, रैखीय समीकरण नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। जबकि टेसिलेशन है, मित्र है, नियमित द्विम आकृतियां हैं, ये सभी पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर दोस्तों। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। तो ऑप्शन है कि छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों का हल कर रहे हैं, रचनात्मक कक्षा की बात कर रहा है, है ना, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई गतिविधियों को दोहरा रहे हैं, या सी नंबर है कि छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों रंग आकार आकृति भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया। जी हाँ, ये हो गया रचनात्मक कक्षा दोस्तों, रचनात्मक कक्षा में यही सब होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 99 का, है ना। रचनात्मक कक्षा के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं को उनके गुण, जैसे कि रंग है, आकार है, आकृति है, भार है, है ना, उसके अनुसार छांटने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 99 हो गया, 100 नंबर सवाल कह रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण कौन सा है दोस्तों। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आपको बताना है। वंशानुक्रम का प्रभाव तो रहता ही है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आयु वृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। व्यक्तिक भिन्नता तो बहुत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तभी तो व्यक्ति में भिन्नता है कि नहीं। अगला प्रश्न है 101 नंबर की, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं, है ना, विकलांग बालक के अपंग तो होंगे, बधिर होंगे, बहरे होंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना, जो जब वो विकलांग हैं तो वो स्वस्थ नहीं है ना, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक है उसका पहचान कैसे कीजिएगा, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा तो करेंगे ही करेंगे, और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी होगा आपका, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं की कसौटी मानकर या फिर शारीरिक बनावट देखकर, इसका भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका जो आंसर होगा वो एक से अधिक होगा, है ना, इसका भी आंसर क्या होगा एक से अधिक होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ये भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 103 नंबर। 103 कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है, तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है, क्या होगी, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, ठीक है, रुचियां उनमें सीमित होती है, ये भी सही है, निरंतर अस्वस्थता होते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान से भटकते रहते हैं, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक, है ना, ये आंसर हो जाएगा ई नंबर।
ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 104 की वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे? वंचित वर्ग, ध्यान रखना है, वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन से बालक आएंगे? अंध और अपंग तो आएंगे ही आएंगे, और मंद बुद्धि वाले बालक भी आ जाएंगे वंचित वर्ग में, पूर्ण बधिर या आंशिक बालक भी आ जाएंगे, बोलने में असमर्थ आ जाएंगे। इसका भी आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए आज बहुत सारा आंसर हो रहा है ई नंबर, है ना, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल में अधिकतर ई होने का संभावना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। 105 कह रहा है कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का क्या कारण नहीं है? समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं पूछ रहा है, तो 105 का क्या होगा दोस्तों? बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है तो ऑप्शन है निर्धनता, ये तो हो सकता है, अत्यधिक लाड़ प्यार भी हो सकता है, मनोरंजन की सुविधा अनैतिक व्यवहार भी हो सकता है। कौन सा नहीं है? तो मनोरंजन की सुविधा से बच्चा थोड़ी समस्यात्मक हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा आपका 105 का सी नंबर। अगला प्रश्न है 106 नंबर की समावेशी शिक्षा खाली स्थान भरना है किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या होगा, सामाजिक संतुलन पे, या फिर विश्व बंधुता पर, या फिर सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण पर, समता और समान अवसर पर। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है समान अवसर मिलना, सभी को समता एवं समान अवसर, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 107 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो विफलता में योगदान कौन सा देगा दोस्तों, है ना, कौन सा कारक जो है शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो विफलता में योगदान क्या देगा? अनुभवात्मक शिक्षा नहीं, ये तो नहीं देगा, समावेशी शिक्षा भी नहीं देगा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा संवेद देगा, गैर पारंपरिक पाठ्यक्रम। जी हाँ, गैर पारंपरिक अगर पाठ्यक्रम होगा तब उसको विफलता में योगदान देगा, है ना, तब वो सफल नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन को बस थोड़ा समझिए और ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, आपका आंसर निकलने के आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर, कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। दोस्तों एक समावेशी कक्षा है और एक पढ़ने वाला छात्र है, तो कौन सी विशेषता उसको दर्शाया जाएगा? 108 का क्या होगा, जल्दी से जवाब देना है, क्या होगा 108 का? तो ऑप्शन है कि पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, या बी है कि बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, या उसकी आंखें में लजिमा होती है, चौक बोर्ड पर लिखी वस्तु को गलत पढ़ता है, ये विशेषताएं कौन सी परिस्थिति संकेत करती है? देखिए दोस्तों कौन सा यहाँ पर विशेषताएं दर्शाता है, तो दृष्टिबाधिता दर्शा रहा है, और क्या दर्शाएगा, है ना, क्योंकि बच्चा को पढ़ने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, उसको दिखाई नहीं दे रहा है भैया, तो ये दृष्टिबाधिता को नहीं दर्शाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जा रहा है। ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि बार बार आँख को झपक रहा है, आँख बंद कर रहा है, ठीक ना, कभी नज़दीक कर रहा है, कभी दूर कर रहा है, ठीक है, तो ये दृष्टिबाधिता हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, 109 कह रहा था कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? जी हाँ, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो क्या दर्शाता है? निम्न बुद्धि या कम क्षमता, या फिर उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, 109 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां ये दर्शाता है कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। नेक्स्ट है 110 नंबर सवाल की कौन एक प्राथमिक संवेग का उदाहरण है? जी हाँ, प्राथमिक संवेग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक संवेग का एक उदाहरण क्या होगा? घृणा नहीं होगा, क्रोध घमंड भी नहीं होगा, विरक्ति भी नहीं होगा, क्रोध हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना है प्राथमिक संवेग यहाँ पर क्रोध हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर, 111 कह रहा है कि विद्यार्थियों में एकीकृत सामाजिक मूल्य
विकसित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? बताइए विद्यार्थी में दोस्तों, एकीकृत सामाजिक मूल्य किसके द्वारा विकसित करेंगे? अनुभव के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या संस्कृति के द्वारा? तो यहाँ पर जो सामाजिक मूल्य जो विकसित किया जाएगा वो अनुभव के द्वारा नहीं शिक्षा के द्वारा विकसित किया जाएगा विद्यार्थी में। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है भाई साहब? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है आपको। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये भी जानना, ये भी ठीक है ना। मूल्यांकन से यही तो पता चलता है कि बच्चा उत्तीर्ण हो रहा है अनुत्तीर्ण हो रहा है, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, है ना। बच्चों के सीखने में आई कठिनाई क्या है, बच्चों के ज्ञान स्तर में वृद्धि जांचना, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये सारे चीज़ मूल्यांकन से पता चल जाता है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 113 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये किस पर जोर देती है? तो ये जोर देती है दोस्तों, 113 का आंसर क्या होगा, पाठ्यचर्या का लचीलापन, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण गलत है, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये जोर दे रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, ये लचीलेपन पर जोर दे रही है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 114 नंबर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा के बारे में बताना है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा जो है वो आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 14 का हो जाएगा सी नंबर। अप्रभावित रहती है ये गलत है, लिंग के अनुसार ये भी गलत है, आयु के अनुसार होता है दोस्तों, ये आपको विषम जातीय नहीं होता है, सम जातीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। तो कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ये आपको चारों ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है ना। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, ये भी ठीक है। सृजनात्मक पर ध्यान पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी ठीक है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 116 नंबर, कह रहा है कि अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों जो बच्चे अच्छे हैं तो प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है ना। उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाए या फिर उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, भरी कक्षा में उनकी निंदा की जाए, ये तो गलत है। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, प्रशंसा तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य देंगे ये भी ठीक है, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे ये भी सही है, यानी कि ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी हमारा गलत है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 117 नंबर, देखिए सब्सक्राइब करिएगा तो 9 बजे से डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रात में, है ना, और क्लास में आप जुड़ जाइएगा डेली बाय डेली, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि विद्यालय जो है वो बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं, विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय जो है दोस्तों किस सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, प्राथमिक या संरचनात्मक, प्राथमिक नहीं होगा, संरचनात्मक भी नहीं होगा, द्वितीयक हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा।
यानी कि विद्यालय जो है बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं, तो विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118 नंबर, विद्यालय अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, जो अध्यापक हैं वो किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित करेंगे। तो शिक्षार्थी पर सतत रूप से निगाह रख करके आप सतत रचनात्मक चिंतन पोषित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कुछ न कुछ अपेक्षित करके ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना ये ठीक है। शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देगा ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, सी नंबर आपका ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर दोस्तों, 19 नंबर सवाल कह रहा है कि बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो व्यक्ति का जो व्यवहार है मुख्य रूप से किसको प्रभावित करेगा, तो ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है बाल्यावस्था की बात कर रहा है दोस्तों। तो बाल्यावस्था व्यक्ति का व्यवहार जो प्रभावित होता है वो परिवार से होता है, है ना, किससे होता है, मुख्य रूप से परिवार से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर की, प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षण प्रणाली कैसे होगी। तो उत्तम शिक्षण प्रणाली होगी स्वयं केंद्रित नहीं, बाल आत्म केंद्रित गलत है, पर्यावरण केंद्रित नहीं होगा, ये होता है दोस्तों बाल केंद्रित, है ना, क्या होता है बाल केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की, बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है। तो बाल केंद्रित विधि में किस पर ध्यान दिया जाता है, बालकों के रूप रंग पर नहीं, बालकों के मनोविज्ञान पर, जी हाँ, मानकों के पोशाक पर भी नहीं, बालकों के प्रगति पर भी नहीं, बालकों के मनोविज्ञान पर जोर दिया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, 22 सवाल है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में आपको बताना है दोस्तों। बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन पढ़ना तो पड़ेगा, कह रहा है कि व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। नहीं, ऐसा भविष्यवाणी करने से कुछ काम नहीं चलेगा। व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है। विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, ये वाला सही है, व्यक्तिगत असतत होता, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास दोस्तों हम पूर्वानुमान मतलब अंशतः लगा सकते हैं, पूर्णतः नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी बच्चों का विकास दर क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर, 123 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। भैया विकास क्रमबद्ध होता है, ये गलत है, विकास अव्यवस्थित है, ये भी गलत है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ना, विकास विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक प्रतिवेश पूरे नहीं होते, गलत है, सी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 124 नंबर की, एक बाल केंद्रित शिक्षा में, जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, तो शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं नहीं, भूमिका तो होती है शिक्षिका की, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय, विद्यार्थी को निष्क्रिय आप कैसे कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय, कोई भी निष्क्रिय नहीं होता, ये भी गलत है। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों पांचों ऑप्शन पढ़िए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। डीएलएड वाला क्वेश्चन में आपको पांचों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी सही होगा, एक ऑप्शन पढ़ के आप जवाब मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न 125 नंबर है, समावेशी कक्षा में क्या होता है। समावेशी कक्षा के बारे में कह रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय थोड़ी होता है, सक्रिय होता है भाई, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी के उपकरणों में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव, गलत बात है, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही, अपने दम पर नहीं, बिल्कुल गलत है, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, बी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, जो भी ऑप्शन आपको निगेटिव लगे उसको काटते चलना है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर सवाल, 26 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है।
तो गणितीय गणना की बात कर रहा है ना, गणितीय गणना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित करती है, इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया या फिर डिसग्राफिया। देखिए जैसे ही गणित की बात आएगा है ना, गणित की बात आएगा, अक्षमता गणित की बात आएगा तो गणित में आपका चल जाएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया में क्या होता है दोस्तों, गणितीय गणना संबंधित अक्षमता होती है, इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अगर लेखन संबंधी अक्षमता होगी तो उसको कहेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किसको कहेंगे, लिख लीजिए, लेखन संबंधी अक्षमता। और डिसलेक्सिया कहेंगे पढ़ने संबंधी अक्षमता। और डिस्प्रेक्सिया किसको कहेंगे दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है लेखक एवं चित्रांकन संबंधी अक्षमता। और डिस्फेसिया किसको कहते हैं, वाक संबंधी अक्षमता। अगला प्रश्न है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। यहां भी नहीं पूछ रहा है ना, आकलन को कौन सा नहीं दर्शा रहा है। तो ऑप्शन है कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। ये ऐसा बात नहीं है, सीखने के आकलन के दर्शाता नहीं है, भी नहीं, गलत है। अच्छा गलत पूछ रहा था, ये तो सही है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शा रहा है दोस्तों, आकलन को कौन सा नहीं दर्शाएगा, तो लगातार तुलना, ये गलत है ना, यही नहीं दर्शाएगा आपको आकलन को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, यह स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है 128 नंबर, 128 कह रहा है कि पियाजे महोदय के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। बताइए दोस्तों वो कौन सा काल होता है। पियाजे जो चार अवस्था बताए हैं आपको तो पता ही होगा है ना, नहीं पता है तो मैंने कई बार हजारों बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ है ना। तो पियाजे के अनुसार दोस्तों विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक काल होता है ना, पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है, पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है, इसकी जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक काल की, वो होती है, एक मिनट, क्या था भाई, मच्छर काट रहा हमको। पूर्व संक्रियात्मक काल की जो अवस्था होती है दोस्तों, वो 2 साल से लेकर के 7 साल तक की होती है। ठीक है, याद रखना है। अरे भैया कहाँ गया, 2 साल से लेकर के 7 साल तक होता है पूर्व संक्रियात्मक काल। और इसी में जो बालक होता है वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ इसमें उभरने लगती है बच्चों में है ना। तो देखिए पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के दोस्तों चार अवस्था बताए हैं और ये चारों अवस्था आपको यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मैं आपको चारों अवस्था आपको बता देता हूँ। पहला अवस्था जो पियाजे महोदय बताए थे वो संवेदी पेशी अवस्था बताए थे, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है ना, संवेदी पेशीय अवस्था। एक बताए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर के 7 साल। एक बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 साल से लेकर 11 साल तक, ये हो जाएगा 2 साल से लेकर 7 साल तक। एक बताए थे दोस्तों आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था आपका 11 साल से लेकर के 15 साल तक। ठीक है, ये चारों अवस्था को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 129 नंबर, 129 कह रहा है कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है। जी हाँ, अधिगम करते समय बच्चे बहुत प्रकार की त्रुटि करते हैं है ना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना है ना, सीखते समय बच्चे क्या त्रुटि करते हैं कि नहीं करते हैं, आप भी करते होंगे, हम लोग बड़े हैं हम लोग करते हैं, या तो बच्चे तो करेंगे ही। ठीक है, तो वो जो किस ओर संकेत करती है ना बच्चे, वो किस ओर संकेत करती है। ऑप्शन कह रहा है कि अधिक वेधन और अभ्यास की आवश्यकता, अधिक वेधन है ना, अधिक वेधन नहीं होगा। अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक योग्यता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर अनुवांशिक प्रभाव, ये भी गलत है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, 130 कह रहा है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। बताइए दोस्तों
ना विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्द को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना, यह किस प्रकार का विकार है? इस विकार को कहा जाता है वाचन वैकल्य। जी हाँ, इस विकार को क्या कहते हैं? वाचन वैकल्य कहा जाता है इस विचार को। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर, वाचन वैकल्य। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर। 131 कह रहा है कि किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? असंवेदनशीलता कहते हैं, आवेगशीलता नहीं कहते हैं, परिवर्तनीयता भी नहीं कहते हैं, इसको अतिक्रियाशीलता भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों सृजनात्मकता कहते हैं भाई। इसको कहते हैं सृजनात्मकता, है ना, नया नया चीज़ को खोजना, सोचना, समस्या का समाधान करना, इसी को तो सृजनात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर। 132 कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी की जांच में छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, शिक्षक को इसके जांच के लिए क्या करना चाहिए? है ना, अंग्रेजी का तो ऐसे भी बहुत हालत ख़राब है, बच्चे और भी नहीं पढ़ते इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो सोचते हैं कि भैया फेल भी कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 132 का? कह रहा है कि नैदानिक परीक्षण या प्रवीणता जांच, उपलब्धि परीक्षण या क्षमता परीक्षण। तो दोस्तों शिक्षक इसको क्या करना चाहिए? शिक्षक को इसके जांच के लिए नैदानिक परीक्षण करना चाहिए। जी हाँ, इसको कहेंगे नैदानिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर। 133 कह रहा है किसी विशेष जानकारी हेतु किसी खास पैरा को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? ना किसी विशेष जानकारी हेतु किसी खास पैरा को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं स्क्रीमिंग, नहीं तेजी से पढ़ना नहीं, इसको चुपचाप पढ़ना ये सब तो होगा ही नहीं, इसको कहते हैं दोस्तों स्कैनिंग, है ना, इसको कहा जाता है स्कैनिंग। अगला प्रश्न है 134 नंबर की कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं, है ना, ऐसा देखते होंगे, और लगातार बात करके पूरी कक्षा का ध्यान भंग करते हैं, इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या उपाय करेंगे भाई साहब? है ना, ऐसा ऐसा बच्चा होता है तो क्या करिएगा इसके लिए? इसके लिए उन्हें आगे बैठने को कहेंगे, या फिर कक्षा आरंभ होने से पहले उन्हें बाहर जाने के कहेंगे? बाहर तो नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक उन्हें विद्यालय से निकालने को कहेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, उसको कहेंगे भैया बउआ तू आगे बैठ जाओ, है ना, आगे बैठेगा तो वो अपने गप नहीं करेगा, वो ध्यान लगाएगा पढ़ाई पर, नहीं लगाएगा तो दो चार लपड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 135 नंबर। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास किया गया है? शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों कौन सा प्रयास किया गया है? तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात में सुधार, आधारभूत सुविधाएं, छात्रों में नई जान से जोड़ना, सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा भाई, है ना, एक से अधिक हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के सर्वीकीकरण का क्या अर्थ है? बताइए शिक्षा के सर्वीकीकरण का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है भैया साहब आपका, 9 बजे से डेली टेस्ट चलता है, है ना, 9 बजे रात्रि से, ठीक है, 9 PM रात्रि से डेली चलती है। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको 9 बजे से डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, आप वहां से उस पर टच करके हमारे यहां जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर क्या होगा 136 का? कह रहा था शिक्षा के सर्वीकीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? सभी को शिक्षा, सही बात है, सर्वीकीकरण का ही मतलब है सभी को शिक्षा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को दीक्षा नहीं शिक्षा देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्र राज्य वित्तीय आवंटन का अनुपात कितना है दोस्तों, है ना, देखिए सर्व शिक्षा जो अभियान है इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य जो वित्तीय जो आवंटन होता है, कितना पैसा केंद्र देगा कितना पैसा राज्य देगा, तो इसमें 50-50 चलता है, है ना, 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार, याद रखना है 50-50, ठीक है। अगला प्रश्न है 138 नंबर की, प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थान कौन है?
प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थान का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी राज्य स्तरीय है, बोक्का है, एनसीईआरटी राज्य स्तरीय थोड़ी है, है ना। एनसीईआरटी तो आपका दोस्तों सेंट्रल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा जो बताइएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एससीईआरटी होगा, बिल्कुल ठीक है, एससीएसआई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिला मुख्यालय ये भी ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, एनसीईआरटी नहीं होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 39 नंबर। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन विशेष रूप में कौन कार्यरत संस्थान है, बताइए शैक्षिक प्रबंधन विशेष रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्यरत संस्थान कौन सा है, शैक्षिक प्रबंधन विशेष रूप में, इग्नू है, SIMT है, डायट है, BSEB है। 139 का क्या होगा, शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहा है तो प्रबंधन विशेष रूप से दोस्तों SIMT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 140 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना मैंने आपको पढ़ाया हूँ सब्जेक्टिव पढ़ाते समय, इसकी स्थापना हुई थी NCERT की 1961 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 141 नंबर की कक्षा में अनुपस्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, आजकल की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही है अनुपस्थिति, हाँ ना, तो अनुपस्थिति के समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेंगे, छात्रों को दंड देंगे, नहीं ऐसा कार्य तो करना ही नहीं है, मिठाई खिलाइएगा, बोक्का तो और नहीं आएगा वो, ठीक है, पढ़ा करके, जी हाँ सबसे बढ़िया चीज़ यही करना है, बच्चों को क्या करना है, ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे एकदम डेली भाग भाग के आवे, है कि नहीं, है ना, जब से हम जाने लगे हैं स्कूल क्लास में बच्चे भर गए हैं, है ना, भर गए हैं, उसी प्रकार से आपको भी करना है, ठीक है, एकदम मन लगा के तन मन धन से पढ़ाना है। अगला प्रश्न है 142 नंबर, 142 है कि कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भैया भागने के लिए रोकने के लिए, बहुत सारा बच्चा आता है अब 1, 2, 3 हो जाता है, है ना, टिफिन में चाहे बीच रास्ते में गायब हो जाता है, तो भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला काम यही करना है कि प्रयास करना है कि बचवा भाग काहे रहा है, का दिक्कत है कि भाग जाता है, है ना, किससे मिलने जाता है, अभिभावक को सूचित करेंगे, ये सब ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर 43 नंबर, दोस्तों कह रहा है कि यदि छात्र खेल के प्रति उदासीन है ना, खाली बैठल रहता है, खेलता नहीं, पढ़ता नहीं, कूदता कुछ नहीं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज के समय में दोस्तों उल्टा हो गया है, ठीक ना, कह रहा है कि छात्र क्या है खेल के प्रति उदासीन है, तो उनमें खेलने के प्रति रुचि किस प्रकार हम विकसित करेंगे, जागृत करेंगे, है ना, तो कैसे विकसित करेंगे भैया, है ना, बोका नियन बैठा ले तो उसको क्या करेंगे, स्वयं छात्र के साथ मिलजुल कर खेलेंगे, जी हाँ ये भी कार्य कर सकते हैं, खेल के महत्व को बताएंगे, है ना, खेल के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे, खेलने को रोमांचक बताएंगे, ये सारे कार्य करेंगे तो बच्चा में अपने खेलने का क्या हो जाएगा, उसके मन में इच्छा जागृत होगी और वो बच्चा खेलने लगेगा, ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, जी हाँ, है ना, शिक्षिका नहीं शिक्षक को भी सार्थक बनाना है, ठीक है, दोनों को मिल के बनाना है, तो कक्षा की गतिविधि को बनाने के लिए दोस्तों सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका और शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है कि उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, तो भैया गलत बात है, उनके बारे में अस्पष्ट ये भी गलत है, उन्हें संदर्भहीन जैसे ही आया तो गलत है, उन्हें उचित मार्ग संदर्भ में स्थित करेंगे ये बिल्कुल सही है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर, 145 कह रहा है दोस्तों आपको प्रश्न,
145 नंबर सवाल है कि छात्र जो है वो छात्र समस्या का पता लगाने के बजाय दूर करने पर जोर दिया जाता है। छात्र समस्या का पता लगाने के बजाय दूर करने पर जोर दिया जाता है, तो ये क्या है, निदान विधि में या उपचार विधि में, परियोजना विधि में या प्रत्यक्ष विधि में? तो 45 का आंसर क्या होगा बउआ? आंसर हो जाएगा आपका निदान विधि में, है ना। आंसर हो जाएगा निदान विधि में क्या होता है कि छात्र समस्या का पता लगाने के बजाय दूर करने का जोर दिया जाता है। नामे है इसका निदान, तो क्या करेंगे हम, निदान कर देंगे, यानी कि समस्या का पता नहीं लगाएंगे, सीधे उसको क्या करेंगे, दूर कर देंगे, है ना। अगला प्रश्न है 146 नंबर कि सामुदायिक विकास में शिक्षा सहायक है। जी हाँ, तो शिक्षा सहायक है सामुदायिक विकास में, तो सामाजिकरण प्रक्रिया से या घरेलूकरण प्रक्रिया से या फिर संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण खत्म, घरेलूकरण खत्म, संस्कृतिकरण खत्म। नामे है सामुदायिक विकास कैसे होगा, तो सामाजिक प्रक्रिया से होगा, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया से होगा। अगला प्रश्न है 147 नंबर, 147 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कह रहा है दोस्तों कि किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है बाबू अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, है ना। इसको क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि गार्डनर महोदय के द्वारा याद रखना है। गार्डनर का दोस्तों एक पुस्तक भी है, गार्डनर महोदय का, है ना, याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या था कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर सवाल, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की सुझाव देता है कि 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा कराई जानी चाहिए। एनसीएफ 2005 ये सुझाव दे रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, ये 2005 सुझाव देता है कि 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा कराई जानी चाहिए, अनिवार्य रूप से या वैकल्पिक रूप से या प्रत्येक तिमाही पर, प्रत्येक 6 माह पर। इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ये वैकल्पिक रूप पर हो जाएगा आपका, ठीक है, अनिवार्य नहीं होगा, वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि छात्रों के पास परीक्षा देने या न देने का विकल्प है। अगला प्रश्न है 149 नंबर की एनसीएफ का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन जो है दोस्तों ये किस प्रणाली पर आधारित होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एनसीएफ से ना एकदम लिख लीजिए कि 2 से 3 सवाल आपको पूछेगा, 100% पूछेगा, तो पूछेगा एकदम पक्का, है ना। एनसीएफ से हो गया आपका, आपका नई शिक्षा नीति 2020 से हो गया, है ना, ये सब सवाल एकदम 100% रहेगा। इसका आंसर क्या होगा 149 का, तो 149 का हो जाएगा ग्रेड, है ना। तो ये जो मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका और आज का लास्ट प्रश्न है, तो अंत भला होनी चाहिए तभी सभी भला होगा। प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 विषय सीमाओं को नरम करने की सिफारिश करता है। एनसीएफ 2005 कह रहा है दोस्तों कि विषय सीमाओं को नरम करने का सिफारिश करता है ताकि बच्चों को मिल सके एकीकृत स्वाद या समझने का आनंद मिल सके, अधिक अंक और बेहतर ग्रेड मिल सके, विषय से आगे की समझ मिल सके। क्या होगा इसका, इसका भी आंसर होगा दोस्तों 1 से अधिक। यहाँ पर भी 1 से अधिक आपका ऑप्शन ठीक है, है ना। समझने का आनंद मिलेगा, विषय को आगे से समझने का मौका मिलेगा, अधिक अंक और बेहतर ग्रेड प्रणाली, है ना, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये आपका जो है ये ग्रेड पर आपको कहता है आपका, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का ये रहा टेस्ट, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और डेली आपकी टेस्ट होती है रात में 9 बजे से, इसमें पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप है जहाँ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। जो लोग अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं उनके लिए 399 मात्र चार्ज है,
और जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पिछले एक साल से, उनके लिए मात्र 201 चार्ज है। ठीक है, कैसे जुड़ना है तो ये ऑनलाइन पे करके जुड़ना है। सबसे पहले इस नंबर को आपको सेव कर लेना है, है ना, आप करियर परिवार या प्रधान शिक्षक किसी भी नाम से मोबाइल में, उसके बाद व्हाट्सएप पे जा करके जुड़ जाना है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक ना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं या पेटीएम नहीं चलाते हैं तो अपने मित्र से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, जिस दिन पेमेंट करिएगा है ना, तो तुरंत आपको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देना है दोस्तों, क्योंकि बाद में अगर भेजिएगा दो चार दिन बाद तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस प्रकार का कार्य नहीं करना है, तुरंत आपको भेज देना है, हम तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आधा घंटा के अंदर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही टेस्ट रहा, कल हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का टेस्ट और 75 प्रश्न। आज का ये डीएलएड का टेस्ट रहा, कैसा लगा आप लोग को, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला जो लोग होंगे उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम तैयारी करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए दोस्तों, है ना, आप जो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाकर बैठना नहीं है। ठीक है, बैठना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को पढ़ाइए। बहुत सारे शिक्षकों को देखते हैं जाकर के स्कूल में कुर्सी तोड़ते रहते हैं, कुर्सी नहीं तोड़ना है, वहाँ जाके जब भी टाइम मिले, क्लास खाली रहे तो बच्चों को पढ़ा दिया कीजिए। ठीक है, ताकि बच्चे की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सके, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।